कि पंजाब असेंबली के इजलास से कबल ख्वाजा साद रफीक और मियां महमूद रशीद ने भी एक दूसरे पर करारी तनकीद की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं। नाम ने आज मलाइका की जो हुकूमत बनाई जा रही है, टीम को ढो ढो के लाया गया पंजाब में भी। इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग, झूठ और साजिश। आज नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है, रोस धांधली और खरीदो फरोख्त की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। इमरान खान अपनी बात पे कभी तो जिंदगी में कायम रह जाओ, वैसे तो झूठे आदमी हो कभी कायम रहते ही नहीं है, झूठे आदमी हो कभी कायम रहते ही नहीं है। हम रोज के रोज ऑडिट करेंगे, एक बहरूपिये की शक्ल में और फ्रॉड करके आप वजीर आजम हाउस तक तो पहुंच रहे हैं, ये फ्रॉड ज्यादा देर चलेगा नहीं। झूठे बहरूपी फ्रॉड अपनी बात पे कभी तो जिंदगी में कायम रह जाओ। पंजाब की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई, हजारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। शहबाज शरीफ घंटा घर बने रहे, उनके साहबजादे उन्हें आज ये पंजाब असेंबली में ले आए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे। ख्वाजा साद रफीक एक सीनियर सियासी कारकुन था और लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका हक था, उन्हें मिलना चाहिए था।